नमस्कार। विविध समस्याओं का आयुर्वेदिक समाधान हम आपके बीच में हैं। हम आपके प्रश्नों को सुनकर के सही समाधान का प्रयास करेंगे। फिर भी मेरा निवेदन है कि जो क्रॉनिक और क्रिटिकल जो पेशेंट्स हैं, वे सभी भाई बहन हमारे पतंजलि के जो स्टोर्स हैं, हमारे चिकित्सालय हैं, आरोग्य केंद्र हैं, उन स्थानों पर जाकर के अपने समस्या के लिए वैद्य जी से जरूर लाभ उठाएं। हमारे पास आज के दिन में लगभग 1500 चिकित्सक हैं जो पूरे देश में निशुल्क सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आप घबराइए नहीं, चाहे किसी भी तरह की कोई भी बीमारी हो, आयुर्वेद की जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को बेहतरीन और पूरी प्रामाणिकता के साथ में आप तक पहुंचाने का प्रयास पतंजलि कर रहा है। ओम। कमर के तकलीफ हो, कमर, कमर में दर्द है? हाँ, कमर में दर्द है। कब से दर्द है भाई? दो तीन साल से। दो तीन साल से दर्द है। देखिए, जितने भी तरह के कमर के दर्द हैं, उसके लिए आयुर्वेद के हिसाब से कुछ सावधानियां हैं, योग के हिसाब से भी उसके लिए उपाय हैं। सबसे पहले तो जिन भाई बहनों को कमर में दर्द रहता है, वो ये ध्यान रखें कि उनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत ना हो। कब्ज नहीं होना चाहिए आपको। यदि पेट साफ नहीं होता है, तो जरूर कोई भी ऐसी औषधि जो आराम से आपका पेट साफ करे, जैसे त्रिफला चूर्ण है, हरितकी चूर्ण है, या आप दिव्य चूर्ण है, या शुद्धि चूर्ण है, इनको आप एक चम्मच गुनगुने पानी से रात को ले लीजिए। खाने में हल्की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, भारी चीज़ें ना लें। कई बार पेट में गैस वगैरह बनने से भी दर्द होने की संभावना ज़्यादा रहती है। बैठते समय आप ध्यान रखें, कमर सीधी रख करके बैठें, और नियमित रूप से सवेरे आप जो स्पाइनल कॉर्ड के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए जो आसन होते हैं, आप सरदेव स्वामी जी का प्रोग्राम देख सकते हैं आस्था के माध्यम से, या जो आपके आसपास में हमारा चिकित्सालय है, या जहां कहीं भी निशुल्क शिविर है, वहां जा करके कमर के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए, दर्द के लिए जो आसन होते हैं, उन आसनों को आप नियमित रूप से करें। इसके अतिरिक्त सामान्य कमर दर्द के लिए पतंजलि का जो पीड़ांतक तेल है, बहुत ही अद्भुत है। साथ में आप महानारायण तेल भी यूज कर सकते हैं, महाविषगर्भ तेल भी यूज सकते हैं, और इन सब तेलों से प्रसारणी तेल भी यूज कर सकते हैं। तो इन तेलों की आप धीरे धीरे मालिश करें। रीढ़ की हड्डी में कभी भी बहुत जोर से मालिश नहीं करनी होती है, बहुत सहते सहते हाथ को आप घुमाइए, और दसमूल का काढ़ा क्वाथ मिलेगा जड़ी बूटियों का, उसमें थोड़ा सेंधा नमक, सेंधा नमक के साथ में थोड़ा सा जो घर बनाने के लिए प्रयोग होता है, जो बालू रेत जिसको बोलते हैं, रेता लेकर के पोटली बना करके 200-300 ग्राम की, उसको तवे पर, जैसे आप गरम तवा रखें, धीरे धीरे सिकाई करके पूरी कमर की सिकाई करें, तो इससे भी आपको पूरा लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त औषधि के रूप में जैसे वातारी चूर्ण है, वो एक सामान्य सा चूर्ण है पर बहुत ही लाभकारी है, आप उसका सेवन कर सकते हैं। साथ में पीड़ांतक वटी, पतंजलि की बहुत अच्छी गोली है, और योगराज गुगलो, इतना ही आप औषधि के रूप में स्वतः आप इसका प्रयोग करिए। यदि इनसे ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है, फिर भी आपको पूरा ठीक नहीं होता है तो मेरे भाई, एक बार आप हमारे चिकित्सालय में जरूर वैद्य को दिखा दीजिएगा, दवाई भी ले लीजिएगा, थोड़े आप आसन भी सीख लेना, और आपको निश्चित रूप से आप ठीक हो जाएंगे। मेरी बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि कमर दर्द एक ऐसी समस्या है जो लगभग हर किसी को कभी ना कभी जरूर होता है, तो कमर दर्द के लिए सावधानी बहुत जरूरी है।
यदि कमर में दर्द है, आपको कहीं लंबा जाना पड़ता है, कहीं उठना बैठना पड़ता है, तो कोई कपड़ा जरूर आप कमर में बांध करके रख सकते हैं, उससे बहुत हेल्प मिलेगा। और आसन जरूर नियमित रूप से आप करिए, क्योंकि आसन के लिए भी जो थोड़े योग के जानकार हैं उनसे आप सीखें। हमारे सभी चिकित्सालयों में भी योग सिखाने की व्यवस्था भी है, और इसके अतिरिक्त तो वहाँ से आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपके घर के नज़दीक कहाँ पर योग की कक्षा लग रही है। आप जरूर जाइए और समाधान करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। बहुत लोगों को ये पता भी नहीं होता है कि उनका बीपी हाई है, तो 40 वर्ष के बाद में कम से कम कभी कभी हम सब को कुछ मेडिकल जो परीक्षण है वो कराते रहने चाहिए। उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है वह है बीपी। तो ब्लड प्रेशर हम कभी कभी जरूर चेक कराएं। कभी कभी बीपी हाई होने से भारीपन, सुन्नपन, चक्कर आना, बेचैनी, ये सारे लक्षण होते हैं। कभी कभी लो बीपी होने से शिथिलता, कमजोरी, वीकनेस, निद्रा, आलस्य और घबराहट, बेचैनी, ये चीज़ें होती हैं। यदि बीपी हाई है, लो है, तो भी हमको घबराने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधियाँ हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि परीक्षण के लिए, निदान के लिए आपको तत्काल जो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के जो पैरामीटर्स हैं, जो संसाधन हैं, इक्विपमेंट्स हैं, हमको उनको यूज करना चाहिए। पतंजलि में भी हम सभी तरह के सभी पैरामीटर्स, चाहे वो लीवर, किडनी वगैरह से लेकर के, बीपी से लेकर के, शुगर आदि या बाकी संसाधन भी, अल्ट्रासाउंड आदि भी हम यहाँ पर कराते हैं। तो सही ढंग से निदान हो जाए, निदान के बाद में फिर चिकित्सा। चिकित्सा के लिए मेरा निवेदन है कि यथासंभव योग के माध्यम से आपको दवाइयाँ कम से कम खानी पड़े, नेचुरोपैथी के माध्यम से, और फिर ज़्यादा परेशानी होती है तो आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से, घरेलू उपायों से अपने आप को ठीक करना चाहिए। एकदम घबराने से, बेचैन होने से कोई लाभ नहीं है। हाँ, यदि कोई शरीर में बीमारी आई है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, विचलित मत होइए, प्रयास करिए, आप 100% ठीक हो सकते हैं। तो जरूरी है जिनको घबराहट है या सुन्नपना रहता है, बीपी चेक करा लें। उसके बाद बादाम रोगन 4-4 बूंद नाक में डालिए, बहुत ही अद्भुत है। गाय का घी, पतंजलि का गाय का घी भी डाल सकते हैं। यदि आपको कहीं अपने गांव में, घर में उपलब्ध हो तो आप उसको भी डाल सकते हैं, घी डालिए। और खाने के लिए आयुर्वेद में हमारे यहाँ एक मेधा क्वाथ करके क्वाथ है, जड़ी बूटियों का क्वाथ, सामान्य क्वाथ है, कोई बहुत महंगा क्वाथ नहीं है। उसको आप उबाल करके प्रातः शाम आप पियेंगे तो उससे भी पूरा लाभ हो जाएगा। साथ में मेधावटी, दो दो गोली आप सुबह शाम ले सकते हैं, तो इनका आप सेवन करिए। कई बार कब्ज रहने से, गैस, एसिडिटी बनने से भी परेशानी होती है, इसका ध्यान रखिए कि आपको कब्ज न रहे, पेट साफ हो। खाने में हल्की चीज़ें आप ले लीजिए, नियमित रूप से आप प्राणायाम और योगासन करिए, निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। क्योंकि बीमारी की भयावहता को सोच करके आप परेशान मत होइए, बहुत आराम से, बड़ी सहजता से कई बीमारियों को आप ठीक कर सकते हैं। कुछ योगासन की क्रियाएं बहुत जरूरी है, उसके लिए आपको पंचकर्म कराना भी जरूरी है, साथ में कुछ आयुर्वेदिक औषधियां यदि आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो स्पॉन्डराइटिस है, इंक्लोजिंग स्पॉन्डराइटिस, वो आपका ठीक हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास इस तरह के बहुत रोगी हैं, और ज़्यादा पुराना हो जाता है तो ज़्यादा स्टिफनेस आ जाती है पूरे स्पाइन के अंदर, और आपको बड़ा झुकने में, आगे पीछे में बड़ी कठिनाई होनी शुरू हो जाती है। तो बिना देर करे परेशान मत होइए, एक बार आकर के पतंजलि में, हमारे पास यहाँ पर काफ़ी योग्य वैद्य हैं, करीबन हमारे पास यहाँ पर 60-70 वैद्य होते हैं पतंजलि योगपीठ में। किसी भी दिन, संडे को भी खुला रहता है, जब आपको अनुकूलता हो एक बार दिखा करके औषधियाँ। आपको क्या करना है, एक बार पंचकर्म कराना है, आपको
थोड़ा योग की क्रियाएं और आसन प्राणायाम भी सीखना है और साथ में कुछ औषधियां भी लेनी है। इतनी चीज करेंगे तो आप निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। आप एक बार जरूर दिखा दीजिएगा। इस तरह के जो क्रिटिकल और क्रॉनिक जो डिजीज हैं उन सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि एक बार आप जरूर पतंजलि चिकित्सालय में जाकर के वैद्य को दिखाइएगा। कई बार ऐसा होता है हम बीमारी से ग्रसित होते हैं, हम समाधान भी तलाशते हैं, जब आयुर्वेद की बात आती है या इस तरह की जड़ी बूटियों की बात आती है तो कभी कभी हमको शंका भी होती है कि बहुत सारे वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, बड़ी बड़ी तरह की बातें करते हैं आजकल तो चैनलों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। नहीं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार थोड़ा सा समय आपको लगेगा परंतु आप जरूर पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र में, मेगा स्टोर में एक बार जाइए तो सही, क्योंकि हमारे पास आज 500-600 तरह की औषधियाँ, 900 तरह से ज़्यादा प्रोडक्ट, इतने सारे वैद्य, ये आपकी सेवा के लिए हैं। निश्चित रूप से वहाँ से आपकी समस्या का समाधान होगा। यदि ज़्यादा क्रिटिकल स्थिति लगती हो तो हमारा नेचुरोपैथी सेंटर है योगग्राम, बहुत बड़ा, जहाँ एक साथ में 400-500 रोगी रहते हैं। पतंजलि में भी आईपीडी है जहाँ पर 200-250 पेशेंट रहते हैं। पंचकर्म षटकर्म की व्यवस्थाएं हैं, सब लागत मात्र मूल्य पर है। आप सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ आईपीडी 50 रुपये से शुरू होती है, कोई यहाँ सरकारी ऐड पर नहीं है, ये लोगों के सहयोग से है। लोग कहते हैं कि पतंजलि के पास जो संसाधन है वो क्या करता है वो देखना हो तो उन सबसे मेरा निवेदन है कि हमारा चिकित्सालय देखें, हमारी वैद्यों की सेवा देखें, हमारा अनुसंधान शाला देखें, हमारी कृषि अनुसंधान व्यवस्था देखें। तो इसीलिए आप आइए और जरूर दिखाइए, क्योंकि और लोगों को भी प्रेरित करिए, ये बहुत जरूरी है। देखिए, एक चिकित्सक बनता है वो 6-5 साल पढ़ाई करने के बाद में, उससे पहले वो योग्य होता है तभी उसको मेडिकल प्रोफेशन में उसको जाने को मिलता है और वो फिर जाकर के रोगी को ठीक करता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि इस पुण्य कार्य को आप योग सीख करके, प्राणायाम आदि सीख करके यदि लोगों को ठीक करते हैं तो वो पुण्य आपको मिलेगा। यदि आप वो भी नहीं करने जानते हैं तो कम से कम कहीं भी कोई रोगी पीड़ित परेशान दिखाई दे, आपके मित्रों में, जानने वालों में, मिलने वालों में, मेरा निवेदन है कि एक बार आप पतंजलि चिकित्सालय के लिए जरूर उसे प्रार्थना करें, हमारी तरफ से आग्रह करें कि एक बार वो जरूर जाएं, जाकर के अपने आप को दिखाएं। फिर आप देखिएगा कितने बहुत कम मूल्य में थोड़ी सी औषधियों से, थोड़े से प्रयास से आपकी बीमारी आपसे दूर हो जाती है। बीमार हमको नहीं रहना है, उपाय के लिए, समाधान के लिए पतंजलि चिकित्सालय आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हो सकती हैं जहां आपको सर्जरी की आवश्यकता हो, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जो आपको एक्यूट रिलीफ की आवश्यकता हो, परंतु अधिकांश चीज़ों को आप आयुर्वेद के माध्यम से ठीक कर सकते हैं, आप दिखा करके पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग लगभग प्रतिदिन 30,000 से 50,000 रोगियों को देखते हैं और दुनिया के अंदर शायद संभवतः पहला चिकित्सालय है, पहली संस्था है पतंजलि योगपीठ, जहाँ पर हमारे यहाँ पूरा जो EMR सिस्टम है, मैं हमारे मुंबई के गुप्ता जी का धन्यवाद करूंगा, उनकी बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने हमारे को पूरा फ्री में, निःशुल्क में पूरा EMR सिस्टम बना करके दिया और उसके अंदर हमारे पूरे पेशेंट्स का डेटा और रिकॉर्ड हम रखते हैं, कितने पेशेंट्स हमारे ठीक हो रहे हैं, कितने रोगियों को लाभ हो रहा है, कितनों को लाभ नहीं हो रहा है। जब भी आप पतंजलि चिकित्सालय में दिखाते हैं तो वैद्य जो पर्ची बनाते हैं सारे पर्ची का जो पूरा डिटेल हमारे पास हरिद्वार में सुरक्षित रहता है और हम प्रयास करते हैं कि उस तरह के पेशेंट्स का पूरा डेटा इकट्ठा करें। और मुझे कहते हुए खुशी है, बहुत सारे जो क्रॉनिक और असाध्य रोगों के आज हमारे पास लाखों रोगियों के ठीक होने के पूरे प्रमाण के साथ दस्तावेज हैं, क्योंकि प्रामाणिकता के हम कोई भी बात कहते हैं आप विश्वास भी करते हैं, ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। पर हम हमेशा कोई अविश्वास की बात, ऐसी बात नहीं करते हैं जो कपोल कल्पित हो। यहाँ जो कुछ भी है वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, ऋषियों के द्वारा बताया हुआ है और लाखों लाखों वर्षों से अजमाया हुआ है, हम उसी बात को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मुझे लाइपोमा है, चर्बी की गांठें,
जी, लाइपोमा के लिए देखिए वो बिनाइन होती हैं, कैंसर्स नहीं होती हैं, पर इससे एक समस्या होती है लाइपोमा वालों को, मैंने देखा है कभी कभी वो इतनी बड़ी बड़ी हो जाती हैं सब जगह पर, वो गांठे 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 दिखने लगती हैं, तो देखने में थोड़ा सा कई बार अटपटा सा लगता है, कभी कभी किसी को तो थोड़ी होती, किसी को बहुत ज्यादा होती हैं। इसमें वैसे ही व्याधि के रूप में सिर्फ देखने में भद्दा लगता है, इसके अतिरिक्त इसमें आपको कोई डरने की चिंता करने की नहीं, बात नहीं है, पहली बात तो ये समझिए। ओके दूसरी ओके सर। चीज, इसके लिए औषधि के रूप में मैंने देखा है कि आयुर्वेद के अंदर में आपको अच्छा काशनार गुगुल और वृद्धिवादी का बटी, यही दो ही औषधियां हैं जो इसमें काम करती हैं। आप दोनों हाँ की सर, दो दो गोली सुबह शाम गुनगुने पानी से लेते रहिए। इसके अतिरिक्त इसमें लाइपोमा ठीक हो जाता है, हम लोगों ने बहुत रोगियों का ठीक किया है, वो मात्र केवल प्राणायाम से ठीक हो जाता है। और जिनको कौन से लाइपोमा प्राणायाम की करने हैं? शिकायत है उनके लिए मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, जो लेसेदार जो चीजें हैं जिसमें ज्यादा लेसा बनता है, जैसे उड़द की दाल है, ओके अरबी है, या राजमा वगैरह है, थोड़ा चावल भी, ओके इसको कम करिए। वो प्राणायाम आप नियमित रूप से उसमें करो, आप देखोगे। उसको कम करना है। हाँ जी, उसको कम कर दीजिए जितना कम कर सकते हाँ सर, हैं, और आप प्राणायाम मेरे भाई नियमित रूप से करिए, और आप देखेंगे आप दो पर चार गांठों की साइज भी मापनी शुरू कर दोगे ना, तो 15 दिन के हाँ अंदर हाँ ही आप देखोगे कि आपका वो कम होना शुरू हो जाएगा, आपकी जो गांठ की जो साइज है। ओके ओके सर। ठीक है, हाँ इसको सर, कर लीजिएगा, मेरी बहुत शुभकामनाएं, और आप जल्दी से शीघ्र ठीक हो जाएं, क्योंकि इस तरह के जो लाइपोमा वगैरह की जो गांठें होती है शरीर में, वो आयुर्वेद में उसको मांसस्थिला माना जाता है, मांस की गांठें हम इसको मानते हैं, तो इसमें हानि कुछ ऐसी होती नहीं है, परंतु देखने में कई बार असुंदरता प्रतीत होती है, तो प्राणायाम करें तो ठीक हो जाता है। हमने देखा है प्राणायाम से कहीं भी कोई भी गांठ हो, इवन कैंसर्स भी जो गांठें होती हैं, चाहे यूट्रस में है, ओवरी में है, चाहे लीवर से लेकर के कहीं पर भी शरीर में, प्राणायाम की जो खासियत आप इसको समझिए। हमने एक पुस्तक लिखी है योग विज्ञानम, बहुत अद्भुत है, तो उसमें मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, हम लोगों ने पूरा जो साइंटिफिक जितने भी हम लोगों ने रिजल्ट्स देखे हैं, जितने भी हमने परिणाम पाए हैं, उन परिणामों को हमने उसमें डाला है, जिन रोगों का हमको पता है, जिन रोगों का हमको पता है, हम उसकी चिकित्सा करते हैं। कई बार कई सारी बीमारियां होते हुए भी हमको पता नहीं होता है, तो उनके लिए हम क्या करें, उसके लिए आप प्राणायाम करिए। प्राणायाम सिर्फ दो तीन चीजों का हमको ध्यान रखना है, जैसे जिसको बीपी हाई है उसको बहुत जोर जोर से नहीं करना है, जिनके पेट में अल्सर है या हर्निया है या इस तरह की कोई भी बीमारी है, उनको जो भस्त्रिका कपाल भाती है उनको धीरे धीरे करना है, बहुत धीरे धीरे। जैसे लीवर में आपको बहुत प्रॉब्लम है, मान लीजिए लीवर सिरोसिस है, या आपको भयानक अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो ऐसा नहीं कि आपको प्राणायाम नहीं करना है, यदि आप उसमें जोर जोर से प्राणायाम करोगे तो बीमारी बढ़ेगी, क्षमा करिएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा जोर से झटका लगेगा पेट में तो परेशानी बढ़ेगी, पर धीरे धीरे यदि आप प्राणायाम करेंगे तो वह आपका हीलिंग हो जाएगा, उससे वो जो भी अंदर की विकृतियां धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए धीरे धीरे आप प्राणायाम करिए, और सावधानी से प्राणायाम करिए, बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारे रोगों से आप आराम से बच सकते हैं, बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो जो ज्ञात अज्ञात जितने भी बीमारियां हैं उनके लिए आप प्राणायाम योग अभ्यास जरूर करिए, क्योंकि ये हमारे ऋषियों की देन है, हमारे लिए वरदान है, और हम सबको बड़ा गर्व और गौरव है कि उस योग की परंपरा, ये कोई कई लोग कहते हैं नहीं ये हिंदुओं की बात है, मुसलमानों की बात है, हमारे यहाँ तो हजारों मुसलमान भाई काम करते हैं और हमारे बहुत सारे संगठन से जुड़े हुए भी हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये बात सत्य है कि हमारे योग के आविष्कर्ता वो हमारे ऋषि थे, परंतु योग कोई धर्म नहीं, वह एक चिकित्सा विधा है, चिकित्सा मन की, चिकित्सा जीवन की, चिकित्सा रोगों की, चाहे वो मानसिक अवसाद हो या शारीरिक व्याधि हो, यदि किसी चीज से ठीक किया जा सकता है तो योग है। इसीलिए हमको इन पचड़ों में न पड़ करके, अब मान लीजिए कि हम दवाई खाते हैं, अब दवाई खाते समय हाँ पतंजलि की दवाई के लिए ये हवा उड़ाया जाता है, ये हवा किया जाता है कि उसमें सब में गोमूत्र छिड़कते हैं। मेरे को एक बहुत बड़े मौलवी थे, वो आए आचार्य जी मैं आज इसलिए आया हूँ आपके यहाँ, मैंने कहा बताओ, बोले मैं आपकी दवाई बनने वाली जगह देखना चाहता हूँ। मैंने कहा आप देखो, मैंने कहा आप क्यों देखना चाहते हो, बोला हमने सुना
कि पतंजलि में जहां दवाइयां बनती हैं वहां सुबह सब में गोमूत्र छिड़का जाता है और उसके बाद में जो है दवाई बनाते हैं। मैंने कहा भाई दवाई के, और बोले हर दवाई में डालते हैं। मैंने कहा कोई हिंदू भी आटे में गोमूत्र थोड़ी खाएगा, सब्जी में गोमूत्र थोड़ी खाता है। और दूसरी बात मैंने कहा मेरे यहाँ कई हजार मुसलमान काम करते हैं तो गोमूत्र छिड़कने का काम तो मुसलमान भाई करते होंगे, तो क्या वो धर्म भ्रष्ट वाला काम कर रहे हैं? तो इस तरह की भ्रम को, भ्रांत धारणाओं को कई बार फैलाने का प्रयास किया जाता है। तो उससे जो मेरे गरीब मुसलमान भाई बहन हैं जिनको पतंजलि के अच्छे और सस्ते उत्पादों से वंचित रखा जाता है, हालांकि ये अभी वो भ्रम धीरे धीरे टूट रहा है, तो उन लोगों से भी मेरा निवेदन है कि पतंजलि के अंदर उसमें क्या पड़ा हुआ है। अब मान लीजिए ये कोई भी डिब्बी उठाइए, किसी भी चीज को आप पकड़ लीजिए, उसके अंदर ही फॉर्मूला लिखा हुआ है, घटक लिखा हुआ है। गोमूत्र वाले मेरे तीन चार प्रोडक्ट हैं, हमने सबको बता रखा है, हमारा चाहे वो गोधन अर्क है वो तो गोमूत्र से ही बना हुआ, प्योर गोमूत्र का एक्सट्रैक्ट है, वो डिस्टिलेशन है, प्योर गोमूत्र का डिस्टिलेशन हमने डिस्टिल किया, ये रखा मेरे हाथ में, ये गोधन अर्क है। तो हम तो गोधन अर्क को कोई हम कोई दूसरी चीज से तो नहीं बेचते हैं, परंतु अब मेरे साथ में ये दूसरी चीज ही रखी है, ये पतरंगासव ये माताओं बहनों के लिए एक अद्भुत औषध है, और इसके अंदर लिखा है पतरंगासव के अंदर, हम लोगों ने इसके अंदर ग्रंथ रेफरेंस भी दिया हुआ, आयुर्वेद सार संग्रह, तो ये आसासा लिखा हुआ है, तो ये आयुर्वेद सार संग्रह है, तो इसके माध्यम से आप स्वयं पढ़ सकते हैं इसके अंदर क्या क्या पढ़ा हुआ है। तो यहाँ सब कुछ ट्रांसपेरेंसी है, इसको हमको हमारे को कोई ऐसा नहीं कि हमको झूठ बोल करके हमको किसी तरह से कोई लाभ होगा। बहुत सस्ते भी हैं, यदि आप बाजार में जाएंगे दूसरे कंपनियों का पतरंगा सब लाएंगे तो मुझे लगता है 150-200 रुपए की होगी, ये 98 रुपए की है, ये 15-20 दिन चलेगी। इसी तरह से किसी भी तरह से जैसे आपके शरीर के अंदर कई बार इचिंग होती है, खुजली होती है, तो थोड़ा सा आप कच्चा दूध मिला करके, ये गुलाब जल है, गुलाब जल को आप पूरे शरीर में मालिश कर लीजिए, नहाने से पहले भी हल्के हल्के ढंग से आप वो करते, बादाम रोगन मिला करके गुलाब जल और बादाम रोगन को थोड़ा थोड़ा हाथ से वो करते रहिए, आप उसको लगा लीजिए। तो ये बहुत अद्भुत अद्भुत चीजें हैं, और इन सभी चीजों का आप बड़ी निर्भयता के साथ आप सेवन करिए। कंधा ना जाम हुआ पड़ा है, 7-8 महीने हो गए। कंधा जाम हुआ पड़ा है बहन, कंधा आपका खुल जाएगा। कितनी आयु है आपकी? मेरे 52 जी, और मेरी उम्र भी जान नहीं है राइट हैंड में। हाँ, तो इसके लिए बहन देखो आपको वो सर्वाइकल स्पोंडाइलाइटिस की समस्या या फ्रोजन शोल्डर की समस्या हो सकती है, जैसा आपने बताया है। एक बार आप चिकित्सालय में दिखा दीजिएगा, और इसके लिए कुछ हमारी योगी एक्सरसाइज होती हैं, कुछ आसन और कुछ व्यायाम होते हैं, उनको आप नियमित रूप से कर लो। ये मुश्किल से आपको 15-20 दिन 25 दिन लगेगा, ये ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई भयानक वो नहीं है। परंतु आप लापरवाही कतई भी मत बरतिए, क्योंकि जैसे कुछ एक्सरसाइज में तो जैसे बैठे बैठे भी हाथ सामने करके टाइट करना, इनको घुमाना, आप मेरे को देख रहे होंगे, ये दोनों हाथों को मिला करके कंधों को घुमाना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दोनों हाथ पकड़ करके आप पीछे जा करके धीरे धीरे लेफ्ट और राइट करना, फिर इसके बाद में पूरा प्रेशर के साथ गर्दन को अपने कनपट्टी को हाथ से, हाथ को कनपट्टी से, पूरे प्रेशर से दोनों साथ, और ये पीछे, इन सारे आसनों को आप करिए। हमारी जो पीड़ांतक तेल है उसको आप लगाइए, लगा करके खाने के लिए वैसे पीड़ांतक बटी, योगराज गुगलू और आप चंद्रप्रभा बटी, ये तीन तो गोलियां, साथ में वातारी चूर्ण एक एक चम्मच सुबह दोपहर शाम आप ले लीजिए गुनगुने गर्म पानी से, इससे लगभग आप ठीक हो जाएंगे। फिर भी 1% मेरा निवेदन ये रहेगा, एक बार आप पतंजलि चिकित्सालय में हमारे वैद्य को दिखा दीजिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर में देखो हमारे लगभग बहुत सारे चिकित्सालय और मेगा स्टोर्स हैं, वहाँ पर करीबन 100-150 वैद्य लोग दिल्ली में सेवा दे रहे हैं, उनको आप दिखा करके दवाई ले लीजिएगा। तो क्योंकि ये भी काफ़ी कॉमन समस्या है सर्वाइकल स्पोंडाइलाइटिस की और फ्रोजन शोल्डर की, कंधे जाम हो जाते हैं, गर्दन में दर्द होनी शुरू हो जाती है, इसके लिए मेरा निवेदन है कि आजकल मैं देखता हूँ कई बार कईयों के घर में बहुत मोटे मोटे तकिया, तो आप अपने तकिए को पतला कर दीजिए, यानी कि तकिया कितना होना चाहिए, लगभग कंधे और इसकी जितनी इसमें गैप है, यानी कि लगभग ये 4 इंच के लगभग होना चाहिए तकिया, उससे ज़्यादा नहीं, जिससे कि आप सोते हैं तो ये गर्दन नीचे ना हो जाए, लगभग इसके कंधे के बराबर में आपका सर रहे।
इसके लिए आवश्यकता होती है। इससे मोटे तकिया न लगाएं, सोते समय भी बहुत आड़े तिरछे न सोएं, थोड़ा शरीर को आप सीधा रखें। और ऐसा भी नहीं उल्टे हो, ऐसा भी ना सोए, कई लोग कोई सीधे सो जाते हैं, कई मुद्दे सोते हैं, नहीं, सोने की विधि शास्त्रों में उल्लेखित है कि आपको बामशाही यानी कि बाई ओर से हमको करवट लेकर के सोने वाला होना चाहिए, जिससे कि हाथ पर ज़्यादा जोर ना पड़े और आराम से आपका पैरों को सीधा रख करके, जैसे सर्दी का मौसम है कई लोग बिल्कुल उकड़ू होकर के और बिल्कुल फुटबॉल की तरह से अपने आप को समेट करके सो जाते हैं, कछुए के तरह से नहीं, आप पूरे पैरों को सीधे कर करके आप सोइए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बच्चों को भी आप आदत डलवाइए और रात को सोते समय ये ध्यान रखें, क्योंकि सर्दी भी, चाहे सर्दी कितनी भी हो, टाइट वस्त्र पहन करके कभी नहीं सोना चाहिए। रात्रि को सोने वाले वस्त्र थोड़े ढीले होने चाहिए, ढीले वस्त्र पहन करके ही आपको सोना चाहिए। सोते समय ये ध्यान रखिए, क्योंकि मुंह ढक कर के सोना बहुत ही हानिकारक है, कितनी भी सर्दी हो। ज़्यादा ठंड है आप सर पे कोई टोपा पहन लीजिए या फिर आप कोई कपड़ा लपेट लीजिए, परंतु पूरे मुंह ढक करके नहीं सोना चाहिए। उससे कई बार जो हमारे को जो ऑक्सीजन चाहिए या शुद्ध हवा चाहिए वो नहीं मिल पाता है, उसे नुकसान होने की संभावना रहती है। बात छोटी है, परंतु इन्हीं छोटी छोटी बातों से जीवन बनता है, छोटी छोटी बातों से जीवन बिगड़ जाता है, छोटी छोटी बातों से रिश्ते बनते हैं, छोटी छोटी बातों से रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं। तो बात चाहे छोटी हो, पर यह महत्वपूर्ण है, कभी भी हम किसी भी चीज़ को छोटी और बड़ी नहीं, कितनी लाभकारी और उपकारी है उस दृष्टि से उसको अपनाएं, उसको अपना करके अपने जीवन को बहुत ही खुशहाल बनाएं। और आयुर्वेदिक ये निरापद हैं, दिव्य हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो इनको आप अपनाइए, इनके माध्यम से आप निरोग बनिए और हमारे प्रयास से एक के भी जीवन में प्रसन्नता आ जाए, खुशहाली आ जाए, हमारा जीवन सफल है।